हमारे चैनल फूडी फौज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रसमलाई बनाने जा रही हूँ। वैसे तो रसमलाई खाना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए आज हम मार्केट स्टाइल रसमलाई घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए हम रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और उसे पैन में डालकर रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर हम एक बॉल लेंगे और उसमें 1/2 कप पानी और 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके रख लेंगे। और अगर 2 टेबल स्पून विनेगर से दूध नहीं फटता है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर और ऐड कर सकते हैं। और दूध भी अब बॉयल होने लगा है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। विनेगर हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, 2 से 3 बार में हम विनेगर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम दूध को मिक्स करेंगे और ये देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ भी विनेगर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए दूध फट गया है, छेना और पानी सब अलग हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। उसके लिए हम एक बोल लेंगे और उसमें छन्नी रख देंगे और एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। हमने यहाँ पर रुमाल लिया है, आप किसी भी तरह का कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। और इसको हम इसमें छान लेंगे और अब हम छेने को पानी से वॉश कर लेंगे जिसमें इसमें सिरके की स्मेल ना आए। और इस तरह से इसका हम सारा पानी निकाल देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम रसमलाई के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसे पैन में डालकर रख दिया है बॉयल होने के लिए। और अब दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे, 1/2 कप चीनी। और यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इसे हमने क्रश कर लिया है। और अब ये हम दूध में डालकर पका लेंगे। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और दूध को हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने से रसमलाई जो है वो दूध में सही से फूलती नहीं है, इसलिए दूध को हम हल्का ही पकाएंगे। अब दूध पककर रेडी हो गया है, अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और चलिए अब हम रसमलाई की टिक्कियाँ बना लेते हैं। उसके लिए हम एक परात लेंगे और उसमें छेने को हम निकाल लेंगे। और ये छेना 1 लीटर दूध का है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छेना हमारा ड्राई हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे इस तरह से हम मैश कर लेंगे जब तक छेना सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। और ये देखिए छेना बिल्कुल सॉफ्ट होने लगा है, अब ये रेडी हो गया है रसमलाई बनाने के लिए। तो चलिए अब हम रसमलाई पकाने के लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हम 1/2 कप शुगर लेंगे और 1 लीटर पानी डालकर इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। और चलिए अब हम रसमलाई की टिक्कियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा हम छेना ले लेंगे और इस तरह से हाथ पर हम इसे गोल करके इसकी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए रसमलाई की टिक्की बन गई, हमने छोटी ही टिक्कियाँ बनाई है क्योंकि ये पकने पर फूल के डबल हो जाती हैं। और अब पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें हम रसमलाई की टिक्कियाँ डाल देंगे। हम एक एक करके डालेंगे, 1-2 सेकंड की गैपिंग पे हम एक साथ सारी रसमलाई नहीं डालेंगे और इसे हम गैस की फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक ऐसे खुला ही पकाएंगे। अब इसे हम चम्मच से पलट देंगे, इस पर एक लेयर आ गई है और इसे अब हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम रसमलाई को खुला पकाएंगे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। और अब आइए चेक कर लेते हैं, रसमलाई बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए रसमलाई को इस तरह चम्मच से दबाकर हम चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट रसमलाई बनकर रेडी हो गई है। और रसमलाई को अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे जिससे जो रबड़ी मिल्क है रसमलाई में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे।